हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं हमें आप देख रहे हो क्रिश्चियन। तो गाइस, आज की वीडियो में बताने वाले अंडरग्राउंड वायरिंग में पाइप फिटिंग कैसे करें। काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, तो आज की वीडियो यही बताने वाले हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर इससे पहले दो वीडियो और अपलोड हो चुकी, पार्ट वन पार्ट टू, जिसमें मैंने बताया है कि अंडरग्राउंड वायरिंग में कौन कौन सा सामान यूज होता है और अंडरग्राउंड वायरिंग में वॉल कटिंग कैसे करें। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोगों को इन डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल जाएंगी, आई बटन में मिल जाएंगी, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही बताने वाले हैं कि अंडरग्राउंड वायरिंग में पाइप फिटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम है। तो आज की वीडियो में फुल जानकारी देंगे। अगर आज की वीडियो आप ये पूरी कंप्लीट देख लेंगे तो आपके मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा कि अंडरग्राउंड वायरिंग में पाइप फिटिंग कैसे करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, तो आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो में देखा है पार्ट टू में कि हमने जो है वॉल कटिंग दीवार की कर दी थी, उसके बाद हमने अपने छेनी और हथौड़े से सभी झिल्लियों को साफ कर दिया था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने वॉल कटिंग करके सभी झिल्लियों को साफ कर दिया था और वोट को भी जहाँ जहाँ पर लगाना था हमने सारा कम्प्लीट कर दिया था। तो वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो सबसे पहले आप लोग वो वीडियो देखें, पार्ट टू, और ये हमारा पार्ट थ्री है। आज हम इसमें बताएंगे कि हमारी इस दीवार में जो है पाइप फिटिंग कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आप लोग को बताते हैं कि आपको दीवार में पाइप कैसे फिटिंग करना है और जो हमारे बोर्ड है उसको कैसे दीवार में जाम करना है। तो आप लोग देख सकते हैं, पास 12 मॉडल का बोर्ड है जो कि ये स्टील का है, तो इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। और आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ध्यान समझना है कि जो हम बोर्ड लगाएंगे वो हमारा दीवार से सिर्फ 12 mm बाहर आना चाहिए। अगर 12 mm से ज़्यादा आपको दीवार से बाहर नहीं निकालना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जो है अपना एक जॉक्सन बॉक्स लगा रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पर अपना पाइप लगाएंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने एक दीवार के उस पर होल किया, तो मैंने वहाँ पर पाइप लगा दिया है, उसके बाद हमने एक जॉक्सन बॉक्स लगा दिया है और यहाँ पर हमने एक पाइप फिट कर दिया, ठीक है। तो अभी हम इसमें एक पाइप और लगाएंगे जो कि ये पाइप नीचे की ओर जाएगा और नीचे हमारा एक पावर बोर्ड लगा है, तो उसमें हम ये पाइप उतारेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने इसमें पाइप लगा दिया, जो कि बहुत ही अच्छे से पाइप वहाँ लग जाता है। और आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। अगर आप लोग हाउस वायरिंग का कार्य सीख रहे हैं तो आपको बहुत ही ध्यान से वीडियो आप लोग देखना, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पास एक नीचे पाइप पीस को उतार दिया है। अब हम इसको जो है यहाँ पर लगा देंगे और जो हमारी ईंटें की जो मैंने जो झिझी कट किया था उसमें की जो हमारे ईंट निकलती है जो पतली पतली, उसको हमको पाइप के बगल में लगा कर हथौड़े से ठोक देना है ताकि वो हमारा पाइप बाहर ना आए। जैसे कि आप लोग देखते हैं हमने इसको लगा दिया है ताकि हमारा पाइप एकदम अच्छे से अंदर बैठ गया है, ठीक है। आप लोग देखें तो ऐसे आपको लगा देना है ताकि हमारा पाइप बाहर ना निकले, ठीक है। और आप लोग देखते हैं कि हमने जो है पावर बोर्ड के लिए यहाँ पर होल कट किया था, तो हम यहाँ पर जो 3 वे का स्टील बोर्ड लगा देते हैं। ये भी आपको जो भी बोर्ड आप लगाएं आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है कि आपको 8 mm से जो है बाहर हमारा बोर्ड नहीं आना चाहिए, ठीक है। दीवार से 8 mm से ज़्यादा हमारा बोर्ड बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमने झिझी कट किया था उसमें का ईट हम छोटे छोटे लगा देंगे ताकि हमारा बोर्ड अच्छा सा झुका रहे और हिले ना, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं हमने अच्छे से लगा दिया और बहुत ही सावधानी से आपको काम करना है, बहुत ध्यान से काम करना है ताकि काम दिखने में अच्छा लगे और जो है काम एकदम सफाई से हो, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर हमने लगा दिया था। अब हमको यहाँ पर भी एक जॉक्सन बॉक्स लगाना है और ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि हमें छत से एक बैंड आया हुआ है, तो उसमें से मैंने एक पाइप लगा दिया है, उसके बाद हम यहाँ पर एक जॉक्सन बॉक्स लगा देंगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जॉक्सन बॉक्स लगा दिया है और बहुत ही सावधानी से आपको सब काम करना है, बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि हमने पाइप की झिझी पहले कट कर दी है, तो वो वीडियो आपको इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिए। ये हमारी पार्ट थ्री है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम कैसे लगा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से आपको लगाना है। जहाँ पर आपको जो लगाना है आप अपने हिसाब से इसको लगा सकते हैं, मैंने उसी हिसाब से झिझी कट किया है। अब हम यहाँ पर अपना 12 मॉडल का बोर्ड लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्टील वाला है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने इसको यहाँ पर लगा दिया और आप जो भी बोर्ड लगाएं वो आपको ध्यान रखना है कि 12 mm से बाहर जो है नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्लास्टर होता है वो 8-10 mm का होता है ताकि हमारा बोर्ड अच्छे से उसमें सेट हो जाए और हमारा बोर्ड दीवार से बाहर ना निकले और इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं कि हमने यहाँ पर अपना एक जो है 12 मॉडल का बोर्ड यहाँ पर लगा दिया है और ऊपर 3 डिब्बी लगा दी है और जो है एक इधर पावर बोर्ड लगा दिया, ठीक है। तो मैंने इतना जो है कम्प्लीट कर दिया, अब हम इसके आगे कम्प्लीट करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि हमने जितनी दूरी पर जो चीज़ हमारा लगा हुआ है उतनी दूरी का मैंने पाइप पहले से कट कर लिया है ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए हम जल्दी जल्दी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने एक पाइप लगा दिया है और आप लोग देख सकते हैं ये हमारा पाइप यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है।
आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पाइप आया हुआ है। अब हम यहाँ पर भी अपना एक डिब्बी लगा देंगे, ठीक है, जिसको जॉक्सन बॉक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम अपना एक जॉक्सन बॉक्स लगा देंगे, उसके बाद एक यहाँ इसके नीचे वाला जो आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं इसमें एक पाइप लगाकर हमारा एक नीचे भी पावर बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पर एक पावर बोर्ड लगा देंगे। वैसे हम इस रूम में तीन बोर्ड लगाएंगे, पावर बोर्ड और जो है एक अपना सिक्स बे का एक बोर्ड लगाएंगे और जो है एक लगाएंगे एट वे का और एक बारह वे का, ठीक है, इतने ही बोर्ड हम इस रूम में लगाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जॉक्सन बॉक्स में एक पाइप लगाकर नीचे की ओर उतार दिया है और यहाँ पर हम अपना एक पावर बोर्ड और लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पावर बोर्ड लगा दिया है, इसको बाद में सही करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बाहर निकला हुआ है, इसके लिए थोड़ा हम इसका होल और बड़ा करेंगे ताकि ये आठ वे से ज़्यादा बाहर ना निकले, ठीक है। आपको यहाँ पर यह चीज़ बिल्कुल ध्यान से रखना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने वहाँ से वायरिंग कर दिया है और यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर भी एक पाइप लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर हमने बैंड लगाकर इसको घुमा दिया, ठीक है, अपनी वायरिंग को घुमा दिया है, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर जहाँ जहाँ पर घुमाना है तो आप वहाँ पर बैंड लगाकर उसको घुमा सकते हैं, पाइप आप घुमा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने पाइप घुमा दिया, ठीक है। तो ये जो हमारा रूम में वायरिंग हो रही है, ये हमारा यूट्यूब सेटअप का रूम है। काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर आपका यूट्यूब से इतना पैसा आया, आपने उस पैसे को क्या किया। तो हमने अपना यूट्यूब सेटअप जो है कम्प्लीट किया, आप लोग देख सकते हैं, ये हमने रूम अपने यूट्यूब पेमेंट से बनवाया हुआ हूँ और इसमें जो वायरिंग हो रही है सब यूट्यूब से हो रहा है। तो ये हमारा यूट्यूब सेटअप का रूम तैयार हो रहा है, इसलिए इसमें ज़्यादा बोर्ड लग रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक जॉक्सन बोर्ड लगा दिया है। अब हम इस तरीके से यहाँ पर भी घुमा देंगे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने बैंड लगा दिया है और इसको यहाँ से भी हम अपने दीवार में घुमा देंगे। आपको जहाँ पर घुमाना है आप वहाँ पर अपना बैंड लगा सकते हैं और अपने पाइप को घुमा सकते हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक बैंड लगा दिया है, अब हम इसको यहाँ पाइप में लगाकर इसको घुमा देंगे, ठीक है। आपको जहाँ पर घुमाना आप वहाँ पर बैंड लगा कर घुमा सकते हैं। और अगर ज़्यादा मोड़ आ रहे हैं, जैसे ऊपर भी हमको एक पाइप देना है, नीचे भी देना है, तो अगल भी देना बगल भी देना है, तो आप वहाँ पर अपना जॉक्सन बॉक्स लगा सकते हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम भी एक जॉक्सन बॉक्स लगाएंगे क्योंकि मुझे नीचे की भी और भी पाइप देना है और उसके बगल में पाइप देना है और इस तरह भी पाइप देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जॉक्सन बॉक्स लगा देंगे, ठीक है, बस हमारा एकदम अच्छे से कम्प्लीट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक जॉक्सन बॉक्स लगा दिया है और पाइप के बगल में जो हमारी ईंटें जो निकली थी जिसमें मैंने झिझरी कटिंग किया था उसको आपको लगा देना है ताकि हमारा पाइप वो बाहर ना निकले, ठीक है। गाइस आप लोग ने देखा कि हमने एक जॉक्सन बॉक्स से पाइप नीचे की ओर उतार दिया था। अब हम यहाँ पर एक अपना एट बे का बोर्ड लगा देंगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने एट बे का बोर्ड लगा दिया है। ये बोर्ड हम इसलिए लगा रहे हैं जो हमारी बाहर की लाइटें हैं वो सारी इस बोर्ड से हो जाएंगे, ठीक है। और हम इस रूम में इसलिए बोर्ड ज़्यादा लगा रहे हैं क्योंकि हमारा यूट्यूब सेटअप का रूम है और मुझे काफ़ी ज़्यादा बोर्ड का काम रहेगा, तो इसलिए हम हर जगह पर बोर्ड अपना लगा रहे हैं जहाँ जहाँ पर हमको काम है, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जॉक्सन बॉक्स लगा दिया है। अब हम यहाँ से एक पाइप को और आगे लगाएंगे और ऊपर छत में एक बैंड निकला हुआ है उसमें इसका कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। आप लोग देखते हैं यहाँ पर हमारा एक बैंड निकला हुआ है, तो इसमें हम यहाँ पर पाइप लगाकर अपना जॉक्सन बॉक्स लगा देंगे, ठीक है। और हमने एक होल कर दिया बाहर की ओर क्योंकि मुझे एक बाहर जो है जॉक्सन बॉक्स लगाना है, वहाँ पर भी एक होल्डर लगा देना है ताकि वो बाहर भी उजाला अच्छे से रहे, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं कि हम यहाँ पर एक और पाइप लगा देंगे और जो इसको हम आगे की ओर ले जाएंगे, ठीक है। तो गाइस हम इस पाइप को आगे ले जाएंगे और हमको आगे यहाँ पर एक सिक्स बे का बोर्ड लगाना है क्योंकि मुझे एलईडी टीवी लगाना है, इसलिए हम यहाँ पर सिक्स बे का बोर्ड लगाएंगे ताकि इसमें दो सॉकेट और दो स्विच बिल्कुल आराम से लग जाएं, ठीक है। आप लोग देखते हैं यहाँ पर हम एक सिक्स बे का बोर्ड लगा रहे हैं और यहाँ पर हम इसके बगल में एलईडी टीवी अपना लगा देंगे और इसमें हम कनेक्शन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए हम इतनी ऊँचाई पर ये बोर्ड लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बगल में हम एक जो है पावर बोर्ड लगा रहे हैं जो कि थ्री बे का है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं यहाँ पर थ्री बे का एक बोर्ड लगा रहे हैं। हम ये बोर्ड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर एसी लगवाना है, तो आप लोग देखते हैं हम इसीलिए एसी का भी कनेक्शन के लिए यहाँ पर एक जो इनपुट के लिए यहाँ पर एक पावर बोर्ड लगा रहे हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम इस दीवार पर जो है एक अपना पावर बोर्ड यहाँ पर लगा दिए हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ऐसे ही आपको सारे कनेक्शन करना है और आप लोग को ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से रखना है कि हमारा बोर्ड जो भी आप लगाएं वहाँ पर जो है 8mm से बाहर ना निकलना चाहिए, ठीक है। यह हमारा एलईडी टीवी का बोर्ड है, इसके बगल में हमारा एसी का बोर्ड है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं हमने इसमें कैसे पाइप फिटिंग कर दिया है और उसके बाद ये हमारा पाइप यहाँ तक आया हुआ है और यहाँ पर हमारा एक जॉक्सन बॉक्स आया हुआ है और उसमें ऊपर छत का हमारा बैंड जो है निकला हुआ है उसमें मैंने कनेक्शन कर दिया है। उसके बाद हमने एक यहाँ पर बैंड और लगा दिया है और इस पाइप को नीचे उतार दिया है और यहाँ पर हमारा एक एट बे का बोर्ड लगा हुआ है जिससे हम अपनी सारी बाहर की लाइटें कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा पाइप और आया हुआ है और यहाँ पर मैंने बैंड लगाकर इसको घुमा दिया है और यहाँ पर एक हमारा जॉक्सन बॉक्स लगा हुआ है, इसमें यहाँ पर हम अपने ट्यूब लाइट लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर एक हम डिब्बी दे दिए हैं, जॉक्सन बॉक्स लगा दिए हैं। उसके बाद हमने इसको बैंड लगाकर यहाँ पर घुमा दिया है और यहाँ पर हमने एक जॉक्सन बॉक्स लगाकर एक पाइप को नीचे उतार दिया है और यहाँ पर हमने एक पावर बोर्ड लगा दिया, ठीक है।
जैसे कि आप लोग देखते हैं यहाँ पर हमने एक पावर बोर्ड लगा दिया है और उसके बाद हमने इसको यहाँ पर फिर सीधे लेकर आए हैं पाइप को और यहाँ पर एक जंक्शन बॉक्स लगा कर इसको हमने एक पाइप को नीचे उतार दिया है और यहाँ पर हमारा मेन बोर्ड लगा है जो कि ये पावर जो कि हमारा ये 12 मॉडल का बोर्ड है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। इसको मैंने 4.5 फीट की ऊंचाई पर लगाया हुआ हूँ और जो हमारे जो पावर बोर्ड होते हैं उसको मैंने लगा दिया है 2.5 फुट की ऊंचाई पर, ठीक है। और आप लोग देखते हैं यहाँ पर मैं एक डिब्बी है और यहाँ से हम एक लाइन और ले जाएंगे जिसको हम अपने बाहर की ओर निकाल लेंगे। और आप लोग देखते हैं यहाँ पर हमारा एक नीचे की ओर एक पावर बोर्ड एक और यहाँ पर लगा हुआ है और उसके बाद हमारी जो ये लाइन देख रहे हैं आप लोग इसको हम ले जाएंगे बाहर की ओर, ठीक है, जो कि हमको इसको बाहर से कनेक्शन करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि हमारा पाइप फिटिंग कैसे होता है, तो आप लोग को ऐसे पाइप फिटिंग कर लेना है। और आपको ये बात बिल्कुल ध्यान से रखना है कि जो बोर्ड हम लगाएं वो हमारा 8 mm से ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। आप लोग देखते हैं कि हमने 8 mm से ज्यादा बाहर नहीं निकाला है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके सहयोग में बहुत अमूल्य है। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छा समझा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद।